अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यम्मी और डिलीशियस चिकन बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 किलो चिकन, और इसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे, वॉश करके रखा हुआ है। और 1.5 किलो हम चावल का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे मैंने बासमती राइस इस्तेमाल किया है। इसे हम 2 से 3 मर्तबा धो के इस तरह से सोक कर लेंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। और साथ में ही यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 kg आलू, जिसे पील आउट करके मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर लगा के रख लिया है। तो चलिए बिरयानी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक खुले बर्तन में ले लिया है ऑयल। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू को हमें फ्राई कर लेना है। यहाँ पर मैंने चावल को बॉईल करने के लिए पानी ले लिया है, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी, कुछ चीज़ें डालूँगी जिससे हमारा बिरयानी राइस जो है वो बहुत ही खुशबूदार बन के तैयार होगा। पानी में डाल देंगे थोड़े पुदीने के पत्ते, साथ में ही मैं डालूँगी 4 ग्रीन चिलीज, बादियान का फूल डाल देंगे हम, दालचीनी डालेंगे, बड़ी इलायची और 8-10 लौंग और काली मिर्च डाल देना है हमें। साथ में ही डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1.5 टीस्पून हम डाल सकते हैं। और अब पानी में अच्छी तरह से बॉईल आने तक वेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे आलू बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। थोड़ा सा हल्का सा कलर और ले लेंगे हम आलू में, और फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं, तो इसे निकाल लेते हैं। और अब इस ऑयल को हम थोड़ा सा कम कर देंगे। हम इसमें डालेंगे ये गरम मसाले, जिसमें मैंने लिया है 3 तेज़ पत्ते, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून शाह ज़ीरा, दालचीनी के 2-3 टुकड़े, यहाँ पे बादियान का फूल ले लिया है मैंने, और 3 बड़ी इलायची और काली मिर्च लिया है। ये सारे मसाले हम ऑयल में डाल देंगे, और साथ में ही हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल किया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, और जैसे ही इसका कच्चापन निकल जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। और अब चिकन को हम अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि इसकी स्मेल ना ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर चिकन का कलर ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़ी साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। और साथ में ही डालेंगे 1.5 टीस्पून सॉल्ट। और इसे भी भून लेना है। पर पानी में जोश आ चुका है, तो हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट। तो यहाँ पे मैंने 5 टीस्पून सॉल्ट डाला है, और अब हम इसमें डाल देंगे चावल। और अब हम चावल को बॉईल करेंगे सिर्फ 4 मिनट्स के लिए, या जब तक कि ये 80% गल जाए तब तक हम बॉईल करेंगे। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ मसाले।
हम यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 3 टीस्पून धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च हम डालेंगे 4 टीस्पून, आप 5 टीस्पून भी डाल सकते हैं अकॉर्डिंग आपके टेस्ट के, आप कितना स्पाइसी चाहते हो उसके हिसाब से आपको डालना है मिर्च। मैं डालूंगी 1 टीस्पून जीरा पाउडर। अब हम चिकन को सारे मसालों के साथ में भून लेंगे। मसाला भूनते वक्त हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, बल्कि ऐसे ही हमें हम मसाला भूनेंगे। और आप देखेंगे कि खुद ही चिकन और टमाटर के पानी के साथ में ये मसाला बहुत अच्छी तरीके से भून जाएगा। यहाँ पर चावल को बॉईल होते हुए 4 मिनट हो चुके हैं, तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये सारा पानी इसमें से ड्रेन कर देंगे हम। मैंने ले लिया है 250 ग्राम्स दही और इसमें मैं डाल दूंगी बिरयानी मसाला। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून बिरयानी मसाला इस्तेमाल स्पून किया मैं है। डालूंगी गरम मसाला पाउडर 2 टीस्पून के करीब हम डालेंगे केवड़ा वाटर, 2 टीस्पून ही हम डालेंगे रोज़ ये वाटर। सारी सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पर सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, तो अब हम लगाएंगे लेयर। हमें इस तरह से बीच में जगह बना लेनी है और आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी मॉइस्ट आ गया है मसाला भी। बीच में ही हमको इस तरह से होल बना लेना है। अब हम इसमें आलू अरेंज कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। साथ में ही डालेंगे दही। डालेंगे कोथमीर और पुदीने के पत्ते। और अब डालेंगे बेरेस्ता। चावलों की लेयर लगा देनी है। बिरयानी को दम लगाने से पहले हम इस पे डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल जो हमने आलू फ्राई करते वक्त निकाला था। और साथ में ही डाल देंगे ऑरेंज कलर। और ग्रीन कलर। और अब हम इसे दम पे लगा देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। मैंने यहाँ पर फॉइल पेपर का इस्तेमाल किया है ताकि भाप बिल्कुल भी ना निकले और अच्छे से दम हो सके बिरयानी। अगर आपके पास फॉइल पेपर ना हो तो आप लीड अच्छे से लगाइए ताकि भाप लीक ना हो और बिरयानी अच्छी तरीके से दम हो सके। तो यहाँ पे हमारी बिरयानी दम हो चुकी है, तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारी बिरयानी दम हो चुकी है। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही क्विक और इजी ये बिरयानी बनके तैयार होती है और खाने में तो ये लाजवाब है ही। तो व्यूवर्स, आज की मेरी रेसिपी यहीं तक थी। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और इन्जॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।